हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि मैं वेस्टर्न फिलोसोफर थिंकर्स के ऊपर ये सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। पहला मैंने वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में बताया, देन अरिस्टो जी जो वेस्टर्न थिंकर थे उनका क्या व्यूज था, किस टॉपिक से रिलेटेड था। वैसे तो उनके बहुत सारे टॉपिक पे व्यूज थे जो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। ऐसे ही जेएस मिल का ऑन लिबर्टी बहुत ज्यादा अहम वर्क माना गया है उनका, तो ही इज ऑल्सो अ वेस्टर्न फिलोसोफर। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जेएस मिल लिबर्टी पे क्या कहते थे, क्या बोलना चाहा उन्होंने उसके द्वारा, इस वर्ड के द्वारा उन्होंने किस चीज की, किस फ्रीडम की और किस तरीके से फ्रीडम मिलनी चाहिए उसकी बात करिए। तो जेएस मिल एक तरीके के बहुत, जो उनका सबसे अच्छा और फाइनेस्ट वर्क माना गया, दैट इज ऑन द लिबर्टी, द आइडिया ऑफ फ्रीडम। उनके हिसाब से लिबर्टी इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ सोसाइटी था, क्योंकि अगर किसी के पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपने लिए जो मन चाहे कर सके, तो जबी वो एक सोसाइटी में अच्छी लाइफ जी सकता है, अच्छे तरीके से रह सकता है और भी चीजें अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो मिल्स का वर्क इन सब टॉपिक्स पे है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म एंड अदर वर्क्स, बट द मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो बहुत ज्यादा अहमियत रखा उनका जो वर्क था ऑन लिबर्टी, दैट वॉज इन 1859, एंड ही टोल्ड ऑल दीज थिंग इन दैट टर्म। उन्होंने बोला जो टर्म लिबर्टी है वह एक्चुअली लैटिन वर्ड है, लिबर मतलब फ्री, कि हर चीज से आजादी, हर चीज में आपको फ्रीडम। तो इस लिबर्टी वर्ड को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफाइन किया गया है, बट जो सेंट्रल थीम लिबर्टी का माना जाता है वो ये माना जाता है कि कोई भी बंदिशगी या कोई भी रिस्ट्रेन किसी की आजादी पे ना लगाया जा सके, या कोई भी इंडिविजुअल है वो हर काम से मुक्त और आजाद हो, हर उस बंदिशगी से जो वो करना चाहता है। इन शॉर्ट लिबर्टी का मीनिंग ये है। उन्होंने बोला ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि अगर सब लोग हर वो चीज कर सके सोसाइटी में जो उनका मन है, पूरी आजादी से, पूरी स्वतंत्रता से, तो वो पॉसिबल नहीं है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही इज लिविंग इन सोसाइटी। तो हर इंसान की हर ख्वाहिश है, हर विशेज है, हर डिमांड है, अगर वो उस हिसाब से इस लिबर्टी वर्ड का यूज करे तो एक तरीके से दूसरे इंसान पे अत्याचार भी हो सकता है, एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। तो ही एडजस्ट हिज लिबर्टी विद ड्यू रिगार्ड टू लिबर्टी ऑफ अदर्स। उन्होंने कहा जो दूसरों की लिबर्टी है, जैसे कुछ भी स्वतंत्र रूप से उनको जो करना है उसकी लिबर्टी की उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला कि रेगुलेशन जो है ह्यूमन कंडक्ट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द ह्यूमन बिहेवियर, जो एक सोशल लाइफ में वो कंडक्ट करता है। फंडामेंटल मैक्सिम जो है लिबर्टी का वो ये है कि लिबर्टी अगर मिल सकती है वो लॉ के हिसाब से मिल सकती है, एक लॉ लिबर्टी दिलवा सकता है, ये एक कंडीशन है लिबर्टी की। ही हैज पॉइंटेड आउट कि कुछ कुछ ऐसी इम्पोजेज हैं, या किस वजह से कुछ कुछ ऐसे रिस्ट्रेंस लगाए जाते हैं इन द नेम ऑफ अदर थिंग्स, तो वो लिबर्टी की ब्यूटी को खराब करता है। तो फ्रीडम इज वेरी प्रेशियस कंडीशन विदाउट विच नाइदर द स्टेट नॉर द इंडिविजुअल कैन मेक एनी प्रोग्रेस। उनके हिसाब से अगर किसी के पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता या आजादी नहीं है, तो ना ही वो स्टेट, ना ही वो इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन या स्टेट या नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसे पूरे स्वतंत्र रूप से उनको अपने विशेष डिमांड, सजेशंस, प्लान्स करने का मौका ना दिया जा सके। देन व्हाट ही सेज कि जो लिबर्टी है, इट सिंपली मींस कि आप पे बंदिशगी कोई भी या कैसी भी एक्सटर्नल बंदिशगी ना लग सके, उसे उन्होंने लिबर्टी टर्म दिया है। सो इट सिंपली मीन कि सारे एब्सेंस हो, कोई भी लिबर्टी या कोई भी लिबर्टी के बीच में आए ना, कोई भी बंदिश की, कोई भी बांधाएं ना लगे, उसे हम कहते हैं पूरी आजादी। सो एन इंडिविजुअल कैन बी कंसिडर्ड फ्री अगर इंडिविजुअल एक्सटर्नल कंट्रोल के दबाव में या कोई अदर रीजंस के दबाव में आके अपनी जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो अपने आप को ना रोक सके उससे, तो उसे हम बोलेंगे लिबर्टी। तो उनके हिसाब से यही कहना था।
कि एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से आजाद है अपने आप को फुली, और वट एवर ही वॉन्ट टू और शी वॉन्ट्स टू डू वो कर सकता है, एंड द एक्सटर्नल कंट्रोल उन पे नहीं होएगा और इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले सकते हैं। सो इसी बेस पे लिबर्टी के दो नेचर निकाले गए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये था कि इस लिबर्टी, जो लिबर्टी नेगेटिव होगी उसका मतलब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, इसलिए उसे नेगेटिव लिबर्टी कहा। जिस लिबर्टी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी इंडिविजुअल पे कुछ भी करने के लिए, उस लिबर्टी को नेगेटिव कहा। वो इसलिए कहा है, उनके हिसाब से ये कहना था कि जो नेगेटिव लिबर्टी है वो इतनी फ्रीडम दे देगा लोगों को कि कोई भी एक दूसरे के मसले में या कोई और चीज में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि लिबर्टी है। जब लिबर्टी है मतलब हर तरीके की स्वतंत्रता, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही रीजन था कि उन्होंने बोला कि इस लॉ के हिसाब से स्टेट भी किसी इंडिविजुअल के कोई भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये रीजन की वजह से उसको नेगेटिव लिबर्टी माना गया, क्योंकि कोई भी बंदिशगी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है या गलत हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों, लिबर्टी की बात है, तो इसलिए उसको नेगेटिव कहा, क्योंकि किसी की ड्यूटी या कोई इंटरफेरेंस नहीं करने दे रहे कि कुछ चीज को रिजॉल्व या क्लियर किया जा सके, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी माना गया उसे। और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जेस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम स्मिथ, ये सारे स्कॉलर्स, एक्सपोनेंट्स और ये सारे थिंकर्स ने इस नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया। देन अनदर नेचर जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, पॉजिटिव में आता है कि कुछ बंदिशें, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिबर्टी पे करी जाएंगी, वो इसलिए करी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आता है लिबर्टी में, तो स्टेट कुछ ऐसे कंडीशंस रखेगा लोगों की लिबर्टी पे जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ पे या दूसरों के लाइफस्टाइल पे इफेक्ट ना करे। तो उन्होंने कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गुड लाइफ प्रमोट करनी है, और अगर हमें मेंटेनेंस रखना है, क्योंकि अगर इस तरीके से स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा या गलत सही में फर्क नहीं हो पाएगा, तो इश्यू हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसका मतलब ये है कि वो चीज है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस फ्रॉम द वे ऑफ गुड लाइफ एंड द क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। क्योंकि अगर स्टेट अपना इम्पोर्ट या सरकार अपना कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से वो क्राइम रोक सके, अच्छे लाइफ के लिए सपोर्ट कर सके लोगों को, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सबको, तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों में बहुत असमानता आ जाएंगी, उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंसी स्टार्ट हो सकती है। तो बाय दिस दे एडवोकेटेड कि दिस थिंग शुड बी देयर, कुछ इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है कुछ लिबर्टी, कुछ किन्हीं किन्हीं लोगों की लिबर्टीज पे, क्योंकि हर सब अपनी मर्जी करेंगे तो सोसाइटी का खराब हो सकता है मैटर। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लिबर्टी को सपोर्ट किया लास्की, टीएच ग्रीन, कांत और हीकल ने। जेएस मिल, एज आई टोल्ड कि जेएस मिल इज अ ग्रेट प्रोपोनेंट, उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी, सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी के ही वॉज अ सपोर्टर। तो बाय दिस उन्होंने दो कॉन्सेप्ट कि जेएस मिल क्या हमारा टॉपिक है, तो जेएस मिल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे और इंडिविजुअल लिबर्टी के सपोर्टर थे। उनकी लिबर्टी के जो की फीचर्स थे वो ये थे कि कोई भी सोशल पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल पे, जिसकी वजह से उसको वो रोक सकें, और हर इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए सोशल लीगल कॉन्स्टेंट से, कि कोई भी सोशल और लीगल बाधाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान पे, और वो पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। मिल ने बोला कि जिस तरीके का अगर हम इंटरफेरेंस बोलते हैं कि स्टेट इंटरफेयर करे, तो उनके हिसाब से वो राज्य को दुश्मन मानते थे एक इंडिविजुअल फ्रीडम की, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो स्टेट है उनका जो रोल है वो बहुत सस्पिशियस होता है, कब वो क्या कर दें, किस चीज पे हमारी पाबंदी कर दें, किस चीज पे वो नजरबंदी कर दें, तो ये मुश्किल है उनके रोल्स से रिलेटेड, और उनका जिस तरीके से प्रक्रिया रहती है, तो उस बात पे वो बोलते थे कि मैं अपनी लिबर्टी स्टेट को पूरी तरीके से नहीं दूंगा, और यही रीजन है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए राज्य का हमारे फ्रीडम से। उन्होंने बोला कि जो रोल ऑफ स्टेट है वो
इस तरीके की कंडीशंस में होना चाहिए दैट रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन लिबर्टी. इन दैट सेंस कि वो ये कहते थे जो राज्य का रोल है वो ऐसा हो कि वो कोई भी हमारी आजादी है जो हमारी जो फ्रीडम है उसमें इंटरफेयर ना करें, तो वो रोल ऑफ स्टेट से खुश हैं. तो इनका ये मानना था कि जो भी कॉन्सेप्ट है स्टेट का या उसका कोई भी वर्क है वो हमारी लिबर्टी में इंटरफेयर ना करें. देन अनदर थिंग दैट ही सपोर्टेड दैट इज इंडिविजुअल लिबर्टी. उन्होंने मेनली इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी पे करा और उन्होंने बोला कि जो स्टेट है वो ले मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम रादर देन अ सोसाइटी एज अ होल. कि जो राज्य है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम पे कम फोकस देती है, ज्यादा स्टेट ज्यादा सोसाइटी और एज अ होल की फ्रीडम पे फोकस देती है. वो इसलिए इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस देने की बात करते थे कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को पूरी तरीके से लिबर्टी दें और उसको पूरी तरीके से वो प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी दें जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, तो अल्टीमेटली सोसाइटी का खुद डेवलप हो जाएगा एज अ होल. एंड दिस इज द थिंग दैट ही सपोर्टेड कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी सोसाइटी सेक्शन क्लास का कोई एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ अच्छा करता है और उससे उसका डेवलपमेंट होता है तो अल्टीमेटली अदर्स लोग जो उससे सीखेंगे जो उसको देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वो भी अपने में डेवलपमेंट लाएंगे. इसलिए वो इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सपोर्ट करते थे. उनके हिसाब से जो हमारी फ्रीडम को जो खतरा था वो दो चीजों से था, एक तो राज्य के लॉस से, दूसरा सोसाइटी से और मेजोरिटी से. वो कहते थे कि राज्य से खतरा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जो राज्य लॉ बनाएगी वो हमारी आजादी हमारी जो फ्रीडम है हमारी जो स्वतंत्रता है उस पे स्टैम्प लगा सकती है, बंदिशगी लगा सकती है जो हमें इजीली और हमें पूरी फ्रीली तरीके से एक्सरसाइज नहीं करने दे सकती. दूसरा उन्होंने जो सोसाइटी का बताया उन्होंने इसलिए बोला कि जो नॉबल सोसाइटी एलीट सोसाइटी है या जो मेजोरिटी सोसाइटी है अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन जो निचले तर के लोग हैं जो लोअर क्लास के हैं और जो ऐसे सेक्शन के लोग हैं जो कम केपेबल हैं अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए तो वो उनके दबाव में उनके तनाव में आके उनका लिबर्टी पे बंदिश की लग सकती है. ही एक्सेप्ट की रीजनेबल इंटरफेरेंस इंडिविजुअल लिबर्टी पे होना चाहिए जिससे कि एक दूसरे को हार्म ना पहुंचा सके. तो कुछ पॉजिटिव मिनिमम कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए एक लिबर्टी के लिए जिससे कि एक दूसरे का नुकसान ना हो सके. हर बंदिशगी दुश्मन नहीं है लिबर्टी की, बट स्टिल देर शुड बी समथिंग विच कैन प्रमोट द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो स्टेट इज नेसेसरी. उस चक्कर में उन्होंने बोला कि राज्य तो बहुत नेसेसरी है इस कंडीशन के लिए क्योंकि वही एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट भी करेगी, सिक्योर भी करेगी. एंड द कोर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लाई इन द फैक्ट दैट देयर कैन बी नो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी. उन्होंने अपने इस पूरे लिबर्टी कॉन्सेप्ट को डिफेंड करा ये कहते हुए कि एक लिबर्टी ह्यूमन का बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी, नोबडी इज एंटाइटल्ड टू हार्म देम और इंडिविजुअल डिग्निटी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस के लिए लिबर्टी की बहुत जरूरत है. लिबर्टी एक तरीके का वो हथियार वो वेपन है जो एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने में हेल्प करता है और वो फ्लरिश एंड मे लीड टू अ हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ में अचीव करने में मदद करेगा. लिबर्टी अलाउ करता है कि इंडिविजुअल अपने में कुछ डिस्कवर इंडिविजुअली करे और कल्टिवेट करे और उस तरीके से एक तरीके का स्ट्राइव ऑफ एक्सेलेंस वो अचीव कर पाए. सो इंडिविजुअली मीन्स टू पर्सनल ग्रोथ की एक सेल्फ कल्चर ग्रोथ होगा, एक्सपेरिमेंट इन लाइफ होगा और डिस्कवरिंग ऑफ नेचर ऑफ गुड लाइफ होगा और फ्रीडम टू चूज वंस ओन कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ. क्योंकि जब इंडिविजुअल लिबर्टी को अहमियत दी जाएगी तो लोगों की डिसीजन और सजेशन को भी वैल्यू मिलेगी. तो थ्री लिबर्टीज एज दे से लिबर्टी ऑफ थॉट ओपिनियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए. टू सोर्सेज उन्होंने बताया कि स्टेट है गवर्नमेंट है और सोसाइटी है कि ये दो चीज लिबर्टी को खतरा और उनके लिए नुकसानदेह और उनके लिए मुश्किल बन सकती है. वो इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक टू इंक्रीजिंगली डेमोक्रेटिक ब्रॉट विद इट अपॉर्चुनिटीज कि वो मास सोसाइटी डेंजर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी भी हो सकती है, स्टिफलिंग ऑफ न्यू आइडियाज एंड दीज ऑल रीजन कैन कॉज द थ्रेट जो लिबर्टी को रोक सकती है, लिबर्टी पे बंदिश की लगा सकती है और एक इंडिविजुअल को अपने में डेवलपमेंट और ग्रोथ करने में रोक सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.